नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खाद्य विभाग में निकली एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि हर ग्राम पंचायत में भर्ती निकली है। तो किस किस ग्राम पंचायत में भर्ती निकली, किस किस जिले में निकली है, सभी जानकारी आपको देने वाले हैं। एंड अप्लाई किस प्रकार से करना उसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसका ऑनलाइन आवेदन करने का वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप सभी को हर एक वीडियो की अपडेट यहां पर मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहां पर सर्च करना है एम राशन मित्र। एम राशन मित्र लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे यहां पर आपको पहली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, और उससे आपको क्लिक नहीं करना है। यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नवीन दुकान खोलने हेतु की गई विज्ञप्ति, तो यहाँ पर मूल्य दुकान देखने के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें जिलावार विज्ञप्ति देखना है तो यहाँ पर आपको जिलावार नवीन विज्ञप्ति देखने के लिए इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आप जैसे हमें देखना है हरदा में, तो यहाँ पर हम हरदा देख लिया, और डायरेक्ट यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है और यहाँ पर विज्ञप्ति देखे पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनपद पंचायत टिमाटर में निकली है। अगर आपको देखना है कि हमारे जैसे नर्मदापुरम के किस जनपद पंचायत में भर्ती निकली है तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको पूरे सभी जिले की देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 17 से 18 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, 17 से 18 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगी। और लगभग सभी की जो लास्ट डेट है वो कुछ की 30 तारीख है, कुछ की 10 तारीख, कुछ की 29 तारीख है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। अगर इसका आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, जैसे हम हरदा का देखना चाहते हैं या किसी जिले का देखना चाहते हैं, चलिए हम क्लिक कर देंगे, आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो ये देखिए कार्य अनुभव अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग छिंदवाड़ा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विज्ञप्ति आप देखना चाहते हैं वो सभी देख सकते हैं। इसका अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो आप किस प्रकार से कर सकते, उसकी पूरी जानकारी आपको हम बताएंगे, बस आपको कुछ ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप विज्ञप्ति देख सकते हैं, जैसे कि नर्मदापुरम जिला, यहाँ पर आपको साइट में जिला देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जिस जनपद पंचायत में निकली है वो देखने को मिल जाएगा। एंड आवेदन प्रारंभ यानी कि जैसे हम नर्मदापुरम का देखें तो यहाँ पर 23/10/2024 को आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद इसकी लास्ट तारीख है 30/10/2024 इसकी लास्ट डेट है। उसी प्रकार हम अगर हम बात करें पन्ना की, तो पन्ना के 24/10/2024 को यहाँ पर आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। इसकी विज्ञप्ति 23/10/2024 को प्रकाशित की गई थी और आवेदन इसके प्रारंभ एक दिन बाद यानी 24 तारीख को हो चुके हैं, और आवेदन की अंतिम तिथि 30/10/2024 है, ठीक है। आप जिले बार भी देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, और यहाँ पर आप बहुत सारे ज्यादा देख सकते हैं। अगर आपके पास पात्रता पर्ची आपको देखना है तो वहां पर वो भी देख सकते हैं, पात्रता पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं, नवीन ऑनलाइन आवेदन प्रारूप कर सकते हैं, तो बहुत सारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।